गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजन की कुर्ती एंड कुर्ती सेट। एंड ये सारी वेडिंग अप्रोप्रिएट कुर्तीज हैं, बहुत ही प्रिटी हैं, सारे आपको पसंद आने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं बुढ़ी नहीं बोलती, मैं बुढ़ी बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी थ्रोट थोड़ी पतली है ना, तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि मैं बुढ़ी बोलती हूँ, बट मैं बुढ़ी ही बोलती हूँ। एंड ऐसा होता है कि मेरे घर में भी जब मैं मम्मी को मम्मी बोलती हूँ ना, तो लोगों को अम्मी सुनाई देता है, ठीक है। तो मुझे बुरा नहीं लगा आपके इसी बातों का, आपको कन्फ्यूज़न हुई तो मेरा काम है क्लियर करना, तो मैं आपको वही क्लियर कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टाइम मैं जड़ी वर्क बोलती हूँ, तो उसमें भी लोगों को लगता है मैं जड़ी वर्क बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। बस मेरी आवाज़ थोड़ी पतली है, तो इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इग्नोर कर देना इन सब चीज़ों को आप लोग। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ग्लैम विद उजाला, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कुर्ती मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये थोड़ी सी सिंपल है, ये नेवी ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में है, प्रिंटेड कुर्ती है इस तरह की सी। और इसमें जो मेरी साइज़ है वो एम साइज़ है, तो आपकी जो साइज़ हो आप वो ले सकते हो। एंड ये इस तरह की स्लीव के साथ आती है, 3/4 स्लीव मैं नहीं बोलूँगी, ये ना यहाँ तक आने वाली, ठीक है। एंड ये कुर्ती जो है ना, वो लेने का रीज़न ये था कि ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, इस तरह का लटकन, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रही थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। बाकी इसमें कुछ भी वैसा खास तो नहीं है, बस ए लाइन कुर्ती है ये, इस तरह की है, नी लेंथ तक आती है ये। अगर आप मेरे हाइट के हो, बहुत लोग मुझसे हाइट भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मेरी हाइट जो है 5'5" है। अगर आपकी मेरी इतनी हाइट है तो आपको जितना मुझे आ रहा है वैसे ही आपको भी आने वाला है। एंड आप देखो सिलाई जो है इसकी वो इस तरह की है, ठीक है। सिलाई भी मैं लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कुछ और मैं बोलती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ा सा जो आवाज़ पतला है ना मेरा, इसलिए ऐसा लगता है आप लोगों को। तो ये जो है ना इस तरह की है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बस इसी वजह से मैंने इस कुर्ती को लिया है। एंड बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी ये कुर्ती, आपको भी अच्छी लग रही हो तो आप ले सकते हो इसे, आप प्लाजो के ऊपर पहन सकते हो। जैसे मैरिज फंक्शन वगैरह होती है, तो उसमें वन डे का फंक्शन तो नहीं होता, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो आप अगर चाहो तो ये कुर्ती भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये फर्स्ट कुर्ती है गाइज, हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आपको लेना है थोड़ा सिंपल में थोड़ी सी स्टाइलिश, तो आप ये कुर्ती ले सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती दिखाने जा रही हूँ, अगेन थोड़ी सी सिंपल, ये सिल्क की कुर्ती है। एंड ये जो है ना, इसमें मेरी साइज है वो एम है, एंड ये कुछ इस तरह की है, और इस पर गोल्डन प्रिंट दे रखे हैं सी, 3/4 स्लीव के साथ आपको रिसीव होती है। एंड ये प्रॉपर सिल्क कुर्ती है, एंड इस तरह का गोल्डन प्रिंट है इसके ऊपर सी, और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही शाइनी मटेरियल है इसका, ये थोड़ी सी शाइन कर रही है, तो मैरिज फंक्शन वगैरह होती है ना, जैसे हल्दी फंक्शन हो गई, मेहंदी फंक्शन हो गई, तो आप उसमें पहनने के लिए कुछ हल्का फुल्का अगर लेना चाहते हो तो आप ये कुर्ती भी ले सकते हो, अच्छा लगने वाला है फंक्शन वगैरह में। एंड इसमें जो सिलाई है इसकी वो भी दिखा देती हूँ, सी इंटरलॉकिंग है इसमें, इंटरलॉकिंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कुर्ती, इसलिए मैंने लिया है। इसे आप गोल्डन कलर के प्लाजो पे पहनते हो, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। एंड ये प्योर सिल्क मटेरियल है, थोड़ी सी सी थ्रू भी है ये, आप देख सकते हो, मे भी आपको दिख रहा हो, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट है कुर्ती, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ये जो दो कुर्ती थी ना, ये थोड़ी सी सिंपल में थी, अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो थोड़ी सी हेवी मटेरियल में है। तो ये तो थी सेकेंड कुर्ती जो सिल्क मटेरियल में थी। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, कुर्ती नहीं है, प्रॉपर एक ड्रेस है, एंड ये इंडिया ब्रांड की तरफ से है। इसमें जो मेरी साइज है वो एस है, एंड ये कुछ इस तरह से, इस पर आपको सीक्वेंस वर्क है, एंड ये थोड़ी सी ना साड़ी के डिज़ाइन में है, इस तरह की 3/4 स्लीव मिल जाती है इसमें, जॉर्जेट मटेरियल में है, एंड आगे इस तरह की रफल साड़ी होती है ना, उस तरह के डिज़ाइन दे रखे हैं, सीक्वेंस वर्क है इसके ऊपर। एंड ये इस तरह का है, बीच में आपको इस तरह की बेल्ट मिल जाती है, सी बेल्ट मिल जाती है लगाने के लिए। एंड ये इस तरह का है कुर्ती, बहुत ही खूबसूरत है, कुर्ती नहीं बोलूँगी इसे मैं, ये ड्रेस है। एंड यहाँ आपको इनर का भी कपड़ा इसमें मिल जा रहा है, जो थोड़ी सी शाइनी मटेरियल में है, एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये आप जो मेन फंक्शन होता है ना, वेडिंग डे का जो फंक्शन होता है ना, आप उसके लिए इसे ले सकते हो। तो ये एक सिंगल ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, तो इसे मैं आपको साइड में पहनकर दिखा दूंगी। एंड सारे ही प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। तो ये जो है ना, प्रॉपर इस तरह की लगती है,
एंड इसकी जो पल्लू टाइप की डिजाइन दे रखी है ना वो यहाँ पे सिली हुई, सॉरी वो यहाँ ऊपर जाकर स्टिच की गई है सी, और नीचे जो है ना वो इस तरह से है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। पहनकर मैं आपको साइड में दिखा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस ये पहनने के बाद कैसी लगती है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक प्रॉपर सेट है, कुर्ता सेट, एंड ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आपको प्रॉपर 3 सेट मिलते हैं, कुर्ता और जो नीचे का पजामा होता है वो एंड दुपट्टा, ठीक है। तो पजामा जो है इसका वो कुछ इस तरह का है, सी इसमें आपको डोरी भी मिल जाती है, एंड ये थोड़ी सी कॉटन मटेरियल में है, नेवी ब्लू कलर की है ये, एंड ये चूड़ीदार जो होती है ना उस तरह की है, सी इस तरह की। यहाँ आपको बटन्स भी मिल जाते हैं, टिक टैक बटन्स होती है ना वो वाली बटन है इसमें, सी इस तरह के बटन्स भी मिल जाते हैं बॉटम में, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड डोरी भी मिल जाती है, तो डोरी भी बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको डोरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये बॉटम है, बॉटम का कपड़ा बहुत अच्छा है, कॉटन है, वो जो एक कपड़ा होता है ना शायद चंदेरी, हाँ चंदेरी कपड़ा होता है, अगर उसमें आप कोई भी चूड़ीदार या फिर पैंट वगैरह सिलवाते हो ना, या अगर होती है तो वो ना उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बहुत जल्दी फट जाती है, बट ये जो कॉटन मटेरियल होती है ना इसमें फटने की चांसेस कम होती है, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग होता है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। सबसे अच्छी बात है ना कि जैसी पिक्चर में थी ना रिसीव होने के बाद मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है ये। इसका जो दुपट्टा है ना वो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह का नेट में है, एंड बॉर्डर पे इस तरह का लेस है, एंड यहाँ कॉर्नर्स पे इस तरह के लटकन है, जो चारों कॉर्नर है ना उस पर जो है इस तरह का लटकन लगा हुआ है, एंड ये जो मटेरियल है ना इतना सॉफ्ट है, मतलब नेट की जो क्वालिटी है ना अमेजिंग क्वालिटी है गाइस, आप देखो ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श मटेरियल नहीं है, एंड ये अगर आप वेडिंग फंक्शन वगैरह में रखते हो ना तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, हाईली रिकमेंड करूंगी इसे मैं। एंड इसकी अब मैं कुर्ती दिखा देती हूँ, इसकी जो दुपट्टा की लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 2-2.5 मीटर का दुपट्टा है ये, बहुत ज़्यादा इसका लेंथ है। एंड इसकी जो कुर्ती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, नेवी ब्लू कलर में है, एंड ये कुछ इस तरह से है, राउंड नेक के साथ रिसीव होती है, एंड इसमें ना आपको बैक में इस तरह की लगाने के लिए मिल जाती है, एंड यहाँ फ्रंट में जस्ट ये वाली डिज़ाइन है नेक पे जड़ी वर्क, एंड इसमें पेपर मिरर का वर्क है, एंड इसकी जो स्लीव है ना वो फुल स्लीव है, आप देख सकते हो यहाँ आप, सॉरी ये जो है ना यहाँ आपको लेस लगी हुई है, एंड इस पे जो एंड स्लीव जो है ना वो नेट की है, नेट काफ़ी सॉफ्ट है जैसी दुपट्टा की थी, एंड इस पे आप देखो जड़ी वर्क है एंड पेपर मिरर का वर्क है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, सी दोनों साइड वैसी ही वर्क है। एंड ये जो आगे का पोर्शन है ना, जो ये वाली पोर्शन होती है ये कॉटन मटेरियल है, एंड नीचे इसके जस्ट नीचे आपको नेट मिल जाता है, एंड बॉटम में वैसी ही लेस आपको मिल जाएगी गोल्डन कलर की, एंड लेस के नीचे आप देखो इस तरह का पर्ल वर्क है। ये एक बहुत ही हेवी सा सूट है, एंड बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद, बिल्कुल वेडिंग फंक्शन के लिए ये अप्रोप्रिएट है, एंड नीचे आपको इनर का भी कपड़ा इस तरह का मिल जाता है, थोड़ा सा क्रेप मटेरियल होता है ना उस तरह का है ये, एंड आप देखो इसकी सिलाई, तो ये जो प्रॉपर सेट है ना बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको साइड में पहनकर दिखा दूंगी तो आप देख लेना, एंड साड़ी की बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो, इसे बहुत ही खूबसूरत है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं है, मैं कुछ इसमें बुरा बोल ही नहीं सकती हूँ, बहुत ही कम्फर्टेबल है ये पहनने में, तो इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। जितने भी कुर्ती मैंने आपको दिखाए हैं सारे ही बहुत खूबसूरत है, मैंने इस तरह से दिखाया कि जैसे वेडिंग फंक्शन वगैरह होती है ना तो उसमें 3-4 डेज का फंक्शन होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो इस ड्रेस को, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ी सी सिंपल भी है एंड थोड़ी सी हेवी लुक में भी है, और ड्रेस और प्रॉपर एक ड्रेस भी है गाउन की तरह, एंड एक प्रॉपर सेट भी है, तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हो, सारे ही बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।